एक लाइन कहना चाहता हूं कि चंद्रयान ने तो सॉफ्ट लैंडिंग किया, लेकिन विमान रिजर्वेशन बिल ने पिछड़ों पर और माइनॉरिटी पर बहुत हार्ड लैंडिंग कर दिया है। इट वॉज वेरी रफ हैंडलिंग। थ्रू यू माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन में बात करता हूं कि आई डिमांड सब कोटा एमंग कोटा फॉर विमन रिजर्वेशन आई डिमांड। लेकिन मुझे और खुशी होती अगर ये स्पेशल सेशन में एक दिन महंगाई पर चर्चा होती, बेरोजगारी पर चर्चा होती और भ्रष्टाचार पर चर्चा होती, शिक्षा पर चर्चा होती और सेहत पर चर्चा होती। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं विमेन रिजर्वेशन बिल पर नहीं बोल पाया किसी वजह से। एक लाइन कहना चाहता हूं कि चंद्रयान ने तो सॉफ्ट लैंडिंग किया, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल ने पिछड़ों पर और माइनॉरिटी पर बहुत हार्ड लैंडिंग कर दिया है। इट वॉज वेरी रफ हैंडलिंग। थ्रू यू माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन में बात करता हूं कि आई डिमांड सब कोटा एमंग कोटा फॉर विमन रिजर्वेशन आई डिमांड। अब मैं चंद्रयान पे बोलूं, चंद्रयान पर आता हूं। ये स्पेशल सेशन बुलाया गया, अच्छी बात है तारीफ करवाने के लिए। लेकिन मुझे और खुशी होती अगर ये स्पेशल सेशन में एक दिन महंगाई पर चर्चा होती, बेरोजगारी पर चर्चा होती और भ्रष्टाचार पर चर्चा होती, शिक्षा पर चर्चा होती और सेहत पर चर्चा होती। मैं अगर इन पर भी चर्चा होती तो बहुत अच्छी चीज थी। और शायद हम सभी लोग समझते हैं कि ये इस मुद्दे से ज्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं देश के लिए। मैं इस मौके पर माननीय अध्यक्ष जी एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, इटरी में जाते हैं खाने के लिए, तो तरह तरह की डिश होती हैं और उसको जो सेफ है। आप तो बहुत सीनियर है, विषय पे आइए। हाँ वही विषय है, आप सुनिए प्लीज, मुझे 5 मिनट तो टाइम दीजिएगा। वो सेफ जो है तमाम डिशेज के अलावा एक डिश बनाने के लिए, छोला बनाएगा तो रात को भिगाएगा, बुखारा दाल बनाएगा तो रात को भिगाएगा, क्या क्या कितनी मेहनत के बाद वो डिश बनाता है। और उसको जब हम खाने जाते हैं तो एक वेटर परोस देता है उसको। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्रेडिट किसको जाएगी खाना बनाने की, शेफ को जाएगी या वेटर को जाएगी, ये मैं पूछना चाहता हूं। अब मेरा इशारा काफी है समझने के लिए। तो मैं तो जिस तारीफ करने के लिए बुलाया गया है वो मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी अधीरंजन जी चौधरी जी ने कहा साल टू साल, परत टू परत, लेयर टू लेयर, इसका जो आधार, जो बेस खड़ा किया वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने खड़ा किया, यूपीए गवर्नमेंट ने। और आज आप चल करके झूठ मूठ में मुफ्त में उसका वो लेने चल रहे हैं। झूठ शब्द हटाया जाए, मैं झूठ शब्द हटाया जाए। क्या झूठ अनपार्लियामेंट्री है माननीय अध्यक्ष जी? नहीं, एकदम जो आप नहीं, मैं आपसे बहुत न्यूट्रल होने की उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। झूठ शब्द कतई अनपार्लियामेंट्री नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे बहुत न्यूट्रल होने की उम्मीद करता हूं। मैं केवल अपनी एक बात कहकर खत्म करता हूं कि इस चेयरमैन यस सोमनाथ जी, उनकी साइंटिफिक टीम और वो तमाम उस इसरो के और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। असल में वो जो है मुबारक के बधाई के पात्र हैं। और मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रमा देवी जी।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।